हायर एल्टीट्यूड पे आपका क्या होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर लोअर होता है एटमोसफेयरिक प्रेशर ठीक है एटमोसफेयरिक प्रेशर आपका क्या होता है लोअर होता है ठीक है ये आपका लोअर होता है तो हो इसके लिए तो फिर क्या होता है कि आपको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वाटर को बॉयल करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होता है रिक्वायर्ड होता है वाटर को बॉयल करने के लिए टू बॉइल वाटर या आप बोल सकते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होता है अब यहाँ पे लेस एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ समझिएगा यह लेस एनर्जी का मतलब क्या है आपका लेस हीट लेस एनर्जी का मतलब हो गया यहाँ पे लेस हीट ठीक है तो लेस हीट आपका रिक्वायर्ड रहता है वाटर को बॉईल करने के लिए ठीक है तो लेस हीट आपका रिक्वायर्ड होता है इसीलिए आपका क्या होता है हायर एल्टीट्यूड पे वाटर जो है आपका लेस देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बॉईल कर जाता है ठीक है इसलिए वाटर जो है आपका हायर एल्टीट्यूड पे हायर एल्टीट्यूड पे लेस देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है तो लेस देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस क्या होता है बॉयल हो जाता है ठीक है वाटर जो है बॉयल हो जाता है तो देखिए अब हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे तो पहला ऑप्शन क्या है आपका वाटर पेपर आर लेस एट हाई एल्टीट्यूड देखिए वाटर का हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे टेम्परेचर पे बॉयल होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है ठीक है वाटर पेपर से उसका कोई मतलब नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया सेकेंड ऑप्शन क्या है इज लोअर एट एट हाई हाई एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड पे लो होता है ये करेक्ट है लेकिन इसका यहाँ पे वाटर का हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे बॉइल होने का ये रीजन नहीं है ठीक है तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया थर्ड ऑप्शन क्या है प्रेशर इज लोअर एट हाइयर एट हाई एल्टीट्यूड्स तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया फोर्थ ऑप्शन क्या है ये भी आपका गलत हो गया। cloud से यहाँ पे वाटर का 100 डिग्री होना कोई रीजन नहीं है यहाँ पे ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन थर्ड क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअसएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर